इंडियन प्रीमियर लीग के सीज़न 13 में चेन्नई सुपर किंग को बुरे दौर का सामना करना पड़ रहा है। सीएसके ने सीज़न में अपने सफर का आगाज तो जीत के साथ किया, लेकिन उसके बाद टीम के हिस्से दो हारा। टीम के बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पाना कप्तान धोनी की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। हालांकि पिछले दो मैचों में नहीं खेलने वाले अंबाती रायडू के अगले मैच में वापसी होना तय है। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद धोनी ने बल्लेबाजों को दोषी ठहराया है। धोनी ने कहा कि बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से टीम फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही। डुप्लेसी को छोड़कर टीम के सभी बल्लेबाज पिछले दो मैचों में नाकाम रहे हैं। दरअसल चेन्नई सुपर किंग की मुश्किलें आईपीएल शुरू होने से पहले ही बढ़ गई थी। टीम के सबसे कामयाब बल्लेबाज सुरेश रैना ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सीजन में नहीं खेलने का फैसला किया। टीम के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को रैना के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रही थी, लेकिन दो मैच में ऋतुराज ढाई का आंकड़ा पार करने में भी कामयाब नहीं हो पाए। वहीं सीएसके की एकमात्र जीत में अनुभवी बल्लेबाज अंबाती रायडू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रायडू ने पहले ही मैच में 71 रन की शानदार पारी खेली और टीम को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 विकेट से जीत दिलाई, लेकिन रायडू इसके बाद चोटिल हो गए और अगले दोनों मैच नहीं खेल पाए। हालांकि अब 2 अक्टूबर को होने वाले मैच में रायडू की टीम में वापसी पूरी तरह से तय है। बल्लेबाजों के अलावा टीम के स्पिन गेंदबाज भी धोनी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पीयूष चावला और रविंद्र जडेजा ने अब तक तीनों मैच में जमकर रन लुटाए हैं। हरभजन सिंह का निजी कारण से टूर्नामेंट से बाहर होना टीम को खल रहा है। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।